यूपी के जनपद संभल की चंदौसी नगर पालिका में तैनात अवर अभियंता के साथ नगर पालिका अध्यक्षा के आवास पर भुगतान को लेकर ठेकेदार के द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। पूरा मामला जनपद संभल की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर आवास विकास कॉलोनी में स्थित नगर पालिका परिषद अध्यक्षा इंदु रानी के आवास पर एक ठेकेदार के भाई के द्वारा नगर पालिका में तैनात अवर अभियंता सिविल के अग्रवाल के साथ बकाया भुगतान को लेकर मारपीट की गई, जिसकी लिखित शिकायत अवर अभियंता ने नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी से की है। साथ ही इस मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की अपील भी की है। घटना को लेकर अवर अभियंता सिविल के अग्रवाल ने बताया, सुबह 11 बजे लगभग मुझको चेयरमैन साहब ने अपने आवास पर बुलाया था, तो मैं चेयरमैन साहब के आवास पर गया था। चेयरमैन साहब ने पहले तो कुछ अन्य निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में मुझसे जानकारी ली और उसके पश्चात मनमोहन वसीम के भुगतान के जिसका अंतिम भुगतान न होने की बात कही। उनके द्वारा बताया गया मनमोहन वसीम कल उनके पास गए थे और शिकायत कर रहे थे, तो मैंने उनको अवगत कराया कि उनके द्वारा जो कार्य किया गया है, जैसे कि मुख्यतः बात जो है रामबाग रोड पर जो डावर रोड बनाई थी उनके द्वारा कुछ समय पूर्व, उसके अंतिम भुगतान न होने के संबंध में, तो मैंने उनको बताया कि उसका गुणवत्तापूर्वक कार्य नहीं है और उसकी शिकायत भी श्री फूल प्रकाश जी द्वारा की गई थी और उस पर उनका उनके द्वारा मरम्मत जो अब उनका कहना ये था। इसके पश्चात ही मनमोहन वसीम वहाँ आ गए, संभवतः अध्यक्ष महोदय ने उनको बुलाया हो, और इसके बाद उनका कहना ये था कि मैंने तो कार सही नहीं है, मैं क्या करूँ इसमें काम, मैंने तो अपना मरम्मत कार्य कर दिया, नहीं जब तक कार सही नहीं होगा, सड़क सही नहीं होगी, हम अंतिम भुगतान कैसे कर देंगे उसका, उसका रनिंग भुगतान किया जा चुका है। तो उन्होंने इस पर पहले वार्ता होती रही, इसी दौरान अध्यक्ष महोदय उठकर अंदर चली गई कुछ काम से, और उन्होंने वार्ता के दौरान मेरे ऊपर वहाँ जो पानी का गिलास रखा था उसको उठा के मेरे पर अटैक कर दिया, मेरे ऊपर फेंका जिससे मैं बच गया, पानी का गिलास पानी मेरे ऊपर आया, गिलास गिर गया। और इसके बाद वहाँ पे जो सोवेर ठेकेदार हैं हमारे यहाँ वो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने उनको रोका और मैंने उनको रोकने का प्रयास किया, उन्होंने कुर्सी उठा दी और कुर्सी उठा कर मेरे पे आक्रमण हुई। इसी समय यू साहब भी वहाँ पहुँच गए थे और यू साहब ने भी देखा और मेरे ऊपर मारपीट करने पर आम आदत था। इनके द्वारा कितनी सड़कें डाली, अध्यक्ष महोदय भी अंदर से आ गई और उन्होंने उनको रोका। इनके द्वारा कितनी सड़कें डाली गई हैं? इनके द्वारा लगभग 4-5 सड़कें तो डाली गई। कौन कौन सी हैं? जैसे रामबाग रोड है, संभल रोड है, फरक्काबाजी रोड है और सीता रोड है। अच्छा, क्या दबाव बनाया जा रहा था आप पे? ये दबाव उनके भुगतान के लिए, अंतिम भुगतान कर दिया मेरा, जैसा भी कार्य है उसका अंतिम भुगतान मेरा कर दिया। भुगतान क्यों रुका हुआ था उनका? कार सही नहीं था, गुणवत्तापूर्वक नहीं था, इसलिए कार। वहीं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चंदौसी राजकुमार सिंह ने घटना को लेकर कहा, हमें चेयरमैन साहब ने करीब 11 बजे के बाद उन्होंने फोन किया और मुझे बोला कि 2 मिनट के लिए जरा यू साहब आवाज़ पे आ जाइए, कुछ बात करनी है, और आपके जेई को भी मैंने बुला रखा है। मैंने कहा ठीक है, मैं वहाँ पहुँचा, तो जैसे ही मैं पहुँचा मुझे ये हुआ कि आप अंदर वाले कमरे में चेयरमैन साहब थे और मैं बैठा था, एक कोई और भी थे, स्कूल का काम कुछ चल रहा था, तो उसी समय मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा और जैसे तेज आवाज़ आने लगी एकदम से, तो जब तेज़ आवाज़ आने लगी तो मैं तुरंत पीछे उसके तुरंत उस कमरे में गया जहाँ मनमोहन भसीन थे और हमारे अभियंता अग्रवाल जी थे, एक और ठेकेदार थे शायद ऐसे बैठे हुए थे, तो मैंने देखा मनमोहन भसीन तो और ये जो है मतलब मनमोहन भसीन उठे हुए थे और 1 मिनट में एकदम से नहीं दिखाई कुछ दिया कि क्या हुआ, लेकिन वो इन्हें पकड़े और झगड़े जैसी स्थिति थी कुल मिलाकर, तो मैंने भी भसीन को पकड़ा और इसके बाद तुरंत जो है सबको हटा के मामले को शांत किए। मैंने पूछा भाई क्या बात है, कैसे ये स्थिति क्यों आई, फिर ये हो गया कि साहब जो है
हमारा ये अंतिम भुगतान कर दिया जाए। मैंने स्ट्रिक्टली अपने जे हिसाब से बताया था कि जितना भी काम सही है उसका भुगतान आप बना दीजिए, बिल बना दीजिए, उसका भुगतान हो जाएगा। जो काम नहीं सही है उसका भुगतान कतई नहीं होगा किसी भी समय। और इनकी शिकायतों के लेके जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी तहसील उसमें शिकायत हुई थी, जिसमें तत्काल हमने PWD के साथ सड़कें देखी भी थी। तो ये प्रकरण था। अब चूंकि ऐसा है कि मेरे जाने से पहले क्या स्थिति थी, क्या किस बात को लेके हुआ, ये बेहतर तरीके से चेयरमैन साहब बता पाएंगे। लेकिन मुझे अग्रवाल साहब का कहना है कि जब आप वहाँ पहुँचे थे तो कुर्सी उनके हाथ में थी। मैंने कुर्सी अपने सामने तो खैर नहीं देखी, लेकिन ये जरूर था कि उनका जो है उनकी तरफ मतलब मारपीट जैसा रवैया था कि पकड़ने की कोशिश की जा रही थी जब मैं वहाँ पहुँचा। अब चूँकि कुछ ही सेकंड की बात रही होगी, जब ये झगड़ा हुआ तो मैं जस्ट पहुँचा ही था तो तुरंत मैं अंदर गया, देखा कि क्या। जब घटना की जानकारी नगर पालिका अध्यक्ष इंदू रानी से लेनी चाहिए तो उन्होंने घटना को लेकर बताया। क्योंकि मेरे समझा ना हथापाई की बात नहीं आई है, बातचीत हो रही थी, बातचीत करते करते मेरे तो अंदर मीटिंग हो रही थी, मैं अंदर शुरू में मीटिंग करने चले गया, मेरे प्रभारी जी थे और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो यहाँ बात करते हुए छोड़ा मैंने। और मेरे संज्ञान में ये नहीं हथापाई हुई है, यदि ऐसा कुछ हुआ है तो गलत, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। और दोनों को बुला करके यू साहब को, मैं विभागीय जी अपने जे साहब को और जो ठेकेदारों को बुला करके बात करूँगी, ये गलत है, इसका मतलब जो भी समाधान होगा वो हम करेंगे। अग्रवाल साहब ने एक एप्लीकेशन दी अधिशासी अधिकारी को कार्रवाई करने हेतु, और उन्होंने ये कहा है स्टेटमेंट में जो हम लोगों ने मीडिया ने कैमरे पे लिया उनसे स्टेटमेंट, कि मेरे ऊपर पहले तो गिलास फेंका पानी का ठेकेदार साहब ने, भसीन साहब ने। अच्छा, अच्छा। उसके बाद उन्होंने कुर्सी पकड़ ली मुझ पर हमला करने के लिए, ये सब बातें बताई गई है। और मैं बुला करके जय साहब को दोनों को बुला के बात करूंगी क्या हुआ है, क्योंकि हम लोग चुनाव की तैयारी में लगे पड़े हैं, चुनाव सर पे है, चुनाव शुरू हो गया है, तो हम लोग उसी की मीटिंग में लगे हुए थे और ये बीच में बातचीत हो तो क्या हुआ है मैं बुला करके बात करूंगी और पूछती हूँ, और जैसा हो तो गलत हुआ है मैं इसकी निंदा करती हूँ। जय साहब कह रहे थे कि आपने ही उन्हें यहाँ बुलाया था दोनों को। जय साहब को तो रोज भाई मेरे साथ अधिकारी है, जय है, ये रोज ही आते मेरे, मैं बुलाती हूँ भाई, काम है तो काम होते तो बुलाना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, बताना पड़ता है काम, क्या कार्यालय है ये तो यहाँ पे सभी लोग आते हैं। ऐसी बात हाँ नहीं, उनको बुलाया मैंने, कहा जी साहब को कि जो भी समस्या है उन समस्याओं का समाधान करें।